दोस्तों आज हम गुड़ खाने यानी कि जैगरी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको गुड़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, सुबह खाली पेट गुड़ खाने से क्या होता है? अगर आपको दिन भर काम करने के दौरान थकान महसूस होती हो तो आपको सुबह खाली पेट गुड़ जरूर खाना चाहिए। यह शरीर में एनर्जी की कमी को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों को अक्सर पाचन से जुड़ी दिक्कत रहती है, जैसे कब्ज या फिर गैस की समस्या, उन्हें भी सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है और डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याएं, सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करते हो तो यह खून में मौजूद गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और आप हेल्दी रहते हैं। सवाल नंबर दो, देशी गुड़ और घी खाने से क्या हो सकता है? दरअसल देशी घी और गुड़ इसलिए सुपर फूड माना जाता है क्योंकि गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व एक साथ होते हैं। तो वहीं देशी घी में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और डी के साथ फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। ये सेहत को नहीं बल्कि स्किन और बालों को भी भरपूर पोषण देने में मदद करते हैं। देशी घी और गुड़ साथ में खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, साथ ही ये दोनों शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। सवाल नंबर तीन, गुड़ और चने एक साथ खाने से क्या होता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि भुने हुए चने और गुड़ खाने से शरीर हेल्दी रहता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन दोनों के सेवन से कुष्ठ रोग भी खत्म हो जाता है, यानी इतना ज्यादा पावरफुल होता है। भुने चने और गुड़ से शरीर की चर्बी कम होती है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा भुने चने और गुड़ खाने से कमजोरी दूर होती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, वीर्य बल बढ़ता है। सवाल नंबर चार, रात को सोने से पहले गुड़ खाने से क्या होता है? यदि व्यक्ति रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन करते हैं तो उससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी मजबूत होती है। अनिद्रा की समस्या को दूर करने में गुड़ आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में व्यक्ति रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन यदि दूध के साथ करता है तो ऐसा करने से न केवल नींद बेहतर आती है बल्कि व्यक्ति अगले दिन फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर सकता है। जो लोग रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन किया करते हैं तो इससे पाचन से संबंधित कई समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि रात को सोने से पहले गुड़ का सेवन किया जाए तो व्यक्ति की त्वचा की कई समस्याओं से भी वे बच सकते हैं। सवाल नंबर पांच, गुड़ खाने से कौन सी परेशानी हो सकती है? दरअसल कई लोगों को गुड़ से एलर्जी भी होती है, जिसके वजह से उन्हें दस्त, थकान, बुखार, चेतक्के बनना, सिर दर्द और जी घबराने लगता है। अगर आपको गुड़ के सेवन से ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप इसे खाना तुरंत बंद कर दें। अगर आप गुड़ का अधिक सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ सकता है। आप शायद इस बात को ना जानते हो कि गुड़ की तासीर बेहद ही गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि अगर आप गुड़ का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो इसकी वजह से आपके नाक से खून आने लगता है। हम आपको बता दें कि गुड़ में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सूजन की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा वहीं आपको अगर थायराइड की समस्या है तो आपको गुड़ से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। सवाल नंबर छह, एक दिन में कितना गुड़ खाना सही रहता है? दरअसल अगर आप एक दिन में 50 से 60 ग्राम गुड़ खा सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या हो तो आपको गुड़ का सेवन हर दिन करना चाहिए। वहीं अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप रोजाना गुड़ का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर सात, गुड़ का सेवन कब भारी पड़ सकता है? दरअसल आप एक दिन में बहुत सारा गुड़ खा लेते हैं तो इसकी वजह से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि 10 ग्राम गुड़ में 9.7 ग्राम शुगर मौजूद होता है। अगर आप अधिक गुड़ खाएंगे तो आपके ब्लड शुगर को यह बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं शुरू हो जाएगी। पहले से अगर शरीर में सूजन रहती हो तो आपके लिए गुड़ का सेवन बिल्कुल ही नुकसानदायक है। गुड़ में सुक्रोज काफी अधिक होता है जो सूजन को अधिक बढ़ा सकता है। रिसर्च में यह भी बात साबित हो चुकी है कि शरीर में सुक्रोज, ओमेगा 3 फैटी एसिड जब एक साथ मिलते हैं तो शरीर में सूजन की समस्या शुरू हो जाती है। गुड़ बनाने का प्रोसेस गांव में भी किया जाता है। ऐसे में गुड़ मिट्टी के संपर्क में आते रहता है, जिस वजह से इसे खाने से पेट में कीड़े होने की संभावना भी बढ़ जाती है। गुड़ की तासीर काफी गर्म होती है, तो ऐसे में इसका बहुत अधिक सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे नाक से खून आ सकता है। कई लोगों को गुड़ खाने से बदहजमी और पेट खराब होने की समस्या हो जाती है, इसलिए खरीदते समय सचेत होकर गुड़ खरीदें। नया गुड़ डाइजेशन में दिक्कत करता है। गुड़ हमेशा ऑर्गेनिक ही खरीदें, डार्क कलर वाला गुड़ ही खरीदें। हल्के पीले कलर का जो गुड़ होता है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।
सवाल नंबर 8, गुड़ और मूंगफली खाने से क्या होता है? दरअसल मूंगफली गुड़ दोनों में ही अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आसानी से पेट संबंधी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। इसके साथ ही दोनों में भरपूर मात्रा में ऐसे गुण होते हैं जो आसानी से मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलने के साथ साथ पेट कम करने में भी मदद मिलती है। सवाल नंबर 9, गुड़ खाकर गर्म पानी पीने से क्या होता है? दरअसल सारे विटामिन और मिनरल्स से भरपूर गुड़ बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के साथ ही खांसी जुकाम में भी राहत देता है और शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में भी खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है, इससे आपको दिन भर काम करने के लिए जरूरी एनर्जी मिलती है। सवाल नंबर 10, गुड़ की रोटी खाने से शरीर में क्या असर होता है? दरअसल गुड़ से तैयार की गई गुड़ की मीठी रोटी अपने में गुड़ के सभी पौष्टिक तत्व लिए रहती है। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसे खाने से आपको आयरन की कमी नहीं होती। जो लोग एनीमिया की समस्या से गुजर रहे हैं, शरीर में खून की कमी है, उनके लिए गुड़ की रोटी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, तो नाश्ते में गुड़ की रोटी को दूध के साथ खाना चाहिए। यह हड्डियों के हेल्थ के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बारिश के मौसम में इन्फेक्शन और वायरल फ्लू में गुड़ की रोटी बहुत ही मददगार होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी जुकाम और खास तौर से कफ से आपको आराम देने में मदद करेगा। गुड़ की रोटी आपके लिए एनर्जी का मुख्य सोर्स है। इसके सेवन से आपके शरीर में स्फूर्ति और तंदुरुस्ती महसूस करते हैं। अगर आप बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब आपको गुड़ की रोटी का सेवन अवश्य करना चाहिए। सवाल नंबर 11, गर्भावस्था में गुड़ खाने से क्या होता है? दरअसल गर्भवती महिला सीमित मात्रा में गुड़ का सेवन कर सकती हैं। गुड़ आयरन से भरपूर है और यह आयरन की डेली जरूरत को भी पूर्ति कर सकता है। शुगर का प्राकृतिक स्रोत गर्भवती के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। इसके अलावा गुड़ खून और माँ के दूध को प्यूरिफाई भी करता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। धन्यवाद।